हेलो दोस्तों, तो आज हम बात करने वाले हैं एक्साइटिंग पिज़्ज़ा की। जी हाँ, एक्साइटिंग इसलिए बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी अ ब्रेड पिज़्ज़ा। यस, यू हर्ड इट राइट, इट्स गोइंग टू बी द नॉर्मल ब्रेड जो हम घर में यूज़ करते हैं अपने टोस्ट की तरह कभी कभी सुबह खाने के लिए। एंड स्पेशल बात इसकी ये है, बिकॉज दिस कैन बी मेड एनी टाइम, आप अपने घर में बना सकते हैं ऑन एन इमीडिएट बेसिस, जस्ट लाइक अ स्नैक विद इवनिंग टी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड, आई एम वेरी एक्साइटेड एंड हियर आर द इंग्रेडिएंट्स। फर्स्ट इंग्रेडिएंट रहेगा इसका ब्रेड, नॉर्मल ब्रेड। दूसरा इंग्रेडिएंट रहेगा कॉर्न, फ्रोजन कॉर्न आप ले सकते हैं, जिसको हम पानी में डाल के थोड़ा सा, बिकॉज ये फ्रोजन है तो उसको थोड़ा सा हल्का कर लेंगे। थर्ड इंग्रेडिएंट वुड बी द अनियन अलॉन्ग विद इट, एंड देन द फोर्थ इंग्रेडिएंट वुड बी टोमेटो सॉस, जो एक बेस का काम करेगा ऑन द ब्रेड। नेक्स्ट हमारा रहेगा प्रिपरेशन। सो प्रिपरेशन के लिए हम करेंगे, लेंगे अपना अनियन और उसको बहुत छोटा छोटा कट कर लेंगे, एंड देन हम लेंगे कॉर्न, फ्रोजन कॉर्न, और उसको हम मिक्स करेंगे इस कटे हुए अनियन के साथ। अनियन के साथ काटने के बाद हम इसमें डालेंगे ऑरिगैनो और सॉल्ट, और एक बाउल में लेके इसको अच्छी तरह हम मिक्स कर लेंगे। चाहे तो हम इसमें चिली फ्लेक्स भी डाल सकते हैं, जस्ट टू गिव इट अ फ्लेवर। उसके बाद जब ये मिक्स हो जाता है, हम लेंगे अपना ब्रेड और उस पर हम स्प्रेड करेंगे टोमेटो सॉस। अच्छे से स्प्रेड करें ताकि जो साइड्स हैं वो भी कवर हो जाए। नेक्स्ट जो हमारा मिक्सचर बना था अनियन का और कॉर्न का ओरिगैनो सॉल्ट के साथ, हम उसको इस पर स्प्रेड करेंगे क्रॉस द ब्रेड ओवर द टोमेटो सॉस, और अच्छे से नीटली इसको प्लेस करेंगे। प्लेस होने के बाद नेक्स्ट स्टेप रहेगा द इम्पॉर्टेंट वन ऑन चीज़। हम चीज़ लेंगे, छोटा छोटा चीज़ हम इसके ऊपर स्प्रेड कर देंगे, जस्ट टू गिव इट द चीज़ी फ्लेवर ऑल्सो। And that is the beauty of it. हमारा preparation is done. So हमारा जो pizza है bake होने के लिए बिल्कुल तैयार है। मुश्किल से 5 मिनट लगे and everything is done. So next हम करेंगे अपने oven को preheat for 10 minutes, and after that we will put the pizza in it to be baked for 10 minutes. मैंने रखा अपना ये bake होने के लिए 10 मिनट at 180 degrees, ताकि bread हल्की होने की वजह से जले ना। Normally I do it at 200, but इस बार था at 180 degree. सो 180 degree, 10 minutes, और आप इसका रखिए बोथ ऊपर से और नीचे से, दोनों से गर्म होने वाली सेटिंग पे। लुक एट व्हाट कम्स आउट, क्रिस्पी क्रंची टू यमी दिस ब्रेड पिज्जा। आई एम जस्ट सिंपली फॉलिंग इन लव विद द पिज्जा, इतना यमी एंड चीज इज सो फुलफिलिंग इन दिस। और देखिए बहुत जल्दी ये गायब होने वाला है, आई एम वेरी श्योर। सो इट्स गोइंग एंड गॉन। एवरीबडी इन द फैमिली लाइक इट, होप आप भी इस तरह बना पाएं और आपको भी खूब पसंद आए ये क्विक 2 मिनट स्नैक।